Wonderful to have you on this. Thank you. Itna exciting, एक खूबसूरत सा नगमा कहाँ से आ जाता है जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है? हाँ, ये बस एक हुब्बे वतनी है जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपने वतन से बहुत प्यार है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा और वो आ जाता है यहीं से। मैं आप तैयार बैठे होते हैं कि वर्ल्ड कप होना है, वर्ल्ड कप का गाना आ जाए, अब कोई और इवेंट होना है उसका आ जाए, कहीं फौज मैदान में उतरी है उसका आ जाए, कहीं कोई दिल की बाजी लगनी है तो वो आ जाए। बनता रहता है इस तरह कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ। अच्छा, मैंने अच्छा और सुनाइए, और जिंदगी में अभी मजीद हम क्या क्या किन किन चीज़ों से उम्मीद रखें? अभी बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है समझ लें, बल्कि अभी तो पार्टी सही से शुरू भी नहीं हुई अभी। अच्छा? तो नहीं। इंशाल्लाह जब पार्टी सही से शुरू हो जाएगी तब क्या होगा? तब क्या बनेगा? इंशाल्लाह बहुत कुछ करना है अभी तो, ये देखें हमारे टैलेंट बैठे हुए माशाल्लाह, इन सारों की अभी समझ लें कि शेर अली बहुत अच्छा है, फिर इनका नाम हो गया हूँ मैं, निमरा शहरी फुर। हाँ। ये मुस्तकबिल है जी म्यूजिक इंडस्ट्री का पाकिस्तान की, इन्होंने बहुत कुछ करना है और सारे बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड सिंगर। और ये सब जो है इनसे इनके ये कि आपके साथ जो आता है वो छा जाता है। नहीं नहीं इंशाल्लाह मेरे साथ होते हैं, कुछ लोग स्टार मेकर होते हैं, ये वो स्टार है पाकिस्तान के जो स्टार भी हैं और स्टार मेकर भी हैं, ये दोनों बड़ी कमाल बात है। ये जितने बड़े बड़े स्टार हमें म्यूजिक इंडस्ट्री के नजर आते हैं उनको बनाने वाले भी हैं और खुद भी स्टार हैं। मैं अल्लाह बनाने वाला है जी, मैं सिर्फ साथ एक हमेशा कोई भी हो, मैंने म्यूजिक इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है, फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट किया अपनी, और अगर मैं कुछ अपने वतन के लिए करता हूँ तो वो मेजर जो आता है उस जरिए से मैं करने की कोशिश करता हूँ। हाँ। तो वो अल्लाह के हाजिर वो अगर विन कर गए हम तो अगले मैच भी कर जाएंगे। मुझे ये है कि एक दफा हम ये जो तीन मैच आगे हैं इनमें से विन कर जाएं, तीनों के तीनों विन कर जाएं। हाँ इंशाल्लाह उम्मीद है कर जाएंगे, और अगर अल्लाह ना करे ना भी कर पाए तो हमारी इसमें गेम है, इसमें हम किसी को क्या कह सकते हैं। हाँ। लेकिन एक दुआ है और बड़ा जज्बा है और विश है कि अल्लाह करे कि ये विन करे। अच्छा, आप भी इतने इमोशनल, क्योंकि आपके गाने तो लोगों को इमोशनल किए हुए होते हैं। हाँ। वो तो जब कोई छक्का लगता है, चौका लगता है, तो बीच में जो म्यूजिक लगता है वो आपकी आवाज में लग रहा होता है। हाँ, बिल्कुल, मेरे जो अभी गेम खेल रहे हैं, जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं प्लेयर्स जो हमारे, उनमें मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा, तो उनको मैंने सेंड भी किया है गाने। अच्छा, वो सुनते भी हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बड़ा सुनते हैं। हाँ। वो आज मुझे बता रहे थे कि हम इससे पहले ग्राउंड में जाने से पहले लगाते हैं फोन में गाना पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, लेकिन मैं बता रही थी कि आपके गाने सुन के तो आप मोराल हाई कर रहे होते हैं ना, तो खुदा ना खास्ता जब मैच में डाउन वो टाइम आता है तो आप कैसे क्या करते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार मेरे जैसा जज्बा ले लो इस वक्त। लेकिन ये भी देख रहा होता हूँ कि वो बेचारे तो ग्राउंड में खड़े हैं, उन पे क्या बीतरी होती है। हाँ। वो नहीं को पता होता है तो वो क्या रहा है उस वक्त पे, तो नहीं, आप भी मैच देखते हुए शाउट कर रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है, मेरी तो लैंग्वेज ही और हो जाती है मैच देखते हुए। लेकिन मैच देखते हुए आदमी की असल जो है ना, असल वर्ल्ड कप में हो और पाकिस्तान हो जैसे, तो वो फिर ऐसे ही है ना। अब कभी भी हमारा कोई भी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से पाकिस्तान की जीत के लिए कहीं जाए तो वो फिर कोई भी हो, कोई भी गेम हो, चाहे म्यूजिक हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए फिर की दुआएं होती। हम भी उसी मुल्क में। आपका फेवरेट कौन है क्रिकेटर अभी टीम में? अभी टीम में फेवरेट बॉय है। हां, फेवरेट तो मेरा वहाब है वैसे। हां, मुझे वो एक बहुत नेचुरल आदमी लगता है, वो जब खेल रहा होता है मुझे लग रहा होता है कि यार ये है बंदा जो थोड़ा सा एनर्जेटिक है बहुत और बहुत जज्बे से करने वाला है, और प्लेयर जो है वो आमिर बहुत अच्छा है, मोहम्मद आमिर यानी बॉलर मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज भी अच्छा लेकिन मोहम्मद आमिर। हाँ, मोहम्मद आमिर। और इधर फेवरेट कौन है?
मेरे फेवरेट अब तीन करें मोबाइल का राइट नहीं है, कोई भी नहीं है, किसी की बटन नहीं है। बग्गा भाई क्रिकेट में भी जब इनकी आवाज़ आती है मुझे अच्छा लगता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा तुम्हारा फेवरेट कौन सा प्लेयर? वैसे तो सभी फेवरेट है पर आई गेस फखर इमाम। फखर इमाम शहरी का कौन? आमिर, मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, आमिर। अच्छा मैंने आमिर को इंटरव्यू किया था जब आमिर अभी नया नया आया था और ये सारा स्कैंडल और वो नहीं हुआ था, एंड ही वाज अ वेरी एक्साइटिंग यंग मैन और अब भी बहुत एक्साइटेड वो है, अब तो ज्यादा मैच्योर भी हो गया। फिर उसके बाद जब ये सारा मामला हुआ तब भी उससे बातचीत हुई तो बड़ा अच्छा। मेरी तो बड़ी विश है कि एक मुझे बहुत पसंद है हमारा, इसी तरह वो भी गायब हो गया, मतलब वो वापस नहीं आया अभी तक ना, मोहम्मद आसिफ। आसिफ हाँ बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त भी है वो, लेकिन उसको आना चाहिए मेरा ख्याल है कि उसको है उसकी एज अभी के, वो बुरा हो गया बेचारा। नहीं अब मेरा ख्याल मुश्किल है आना, लेकिन आमिर का बड़ी गुड लक हुई कि उसे सेकंड चांस है वो मिला है और वो उसने कम बैक किया और उसने फिर निभा के। अच्छा वैसे मुझे हारिस सुहेल बड़ा पसंद आया, बड़ा मुझे मैंने भी मुझे पहले पता था, मैं कभी गौर नहीं किया था कि हारिस सुहेल कौन है, तो वो जो ये मैच खेला ना लास्ट मैच उस पर पता चला गया कुछ है और बहुत अच्छा है वो, तो पहले इंडिया वाला मैच भी खिलाना चाहिए था। हाँ, खिलाना चाहिए था। और अल्लाह करे कि अब ये जो है ये अच्छा। अच्छा भैया मैच नहीं खेलेंगे, आपके फेवरेट गाने भी सुनेंगे, सो आपने बग्गा साहब का कौन सा गाना आपका फेवरेट तरीन है? हाँ ऊंचा बोलना है, ऊंचा बोलना है, ऊंचा सब फेवरेट है, नहीं तो फिर कौन सा सुनाए? अना वाला ड्रामा। अच्छा ड्रामों के बाद में आएंगे, पहले गानों की बात करो, गानों में बताओ कौन सा फेवरेट है। ये सुना दे पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी तो सुनाया पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी और कुछ सुनाते हैं, फिर हम एक ब्रेक लेते हैं और आज हम मिल रहे हैं साहिर अली बग्गा से और अपने खूबसूरत टैलेंटेड यंग लॉर्ड से, सो लेट्स एंजॉय। हम मिल रहे हैं साहिर अली बग्गा से, सबसे बड़ा जो म्यूजिक डायरेक्टर है, हम मिल रहे हैं साहिर अली बग्गा से। म्यूजिक की जितनी डोमेन्स हैं वो इस वक्त जिस बंदे के मुकम्मल हाथ में है, हम मिल रहे हैं साहिर अली बग्गा से। तो बैक वक्त इतने सारे डिपार्टमेंट्स को होल्ड करना ये मुश्किल काम है, बहुत कम लोगों ने किया है, ही इज वन ऑफ देम। फेवरेट गाना आपका फिलहाल जो सुनना चाहें? मस्त मलंग का, मलंग। मलंग तो मलंग जीत गया है जी, साहिर अली बग्गा साहब का दी मलंग। ब्यूटीफुल अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच सर। इस गाने से ना मुझे मेमोरीज आ जाती हैं, बहुत जब हम छोटे होते थे और उन दिनों इंटरनेशनल स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ करते थे, तो एक लड़का था अमेजिंग डांसर, अब मैं इन सबको देख रही थी, जान ही नहीं थी उस तरह से इस गाने के ऊपर, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा एक पुराना नंबर है और उसमें उसने कमाल डांस किया है। सर गुफ्तगू अपनी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। दो एक सवाल है, ये इतने मशहूर लोग इनके बीच में साहिर अली बग्गा ने अपना वो नाम और मुकाम बनाया कैसे? कैसे वैसे कैसे? हर किसी की अपनी अपनी मेहनत है, लगन है, मुझे तो अभी भी लगता है कुछ नहीं हुआ, बाकी जो लोगों का प्यार मिलता है उससे लगता है कि शायद कुछ हुआ है, लेकिन जो टारगेट है वो कोई ये नहीं है, बहुत आगे की दुनिया इंशाल्लाह जाना, ठीक है, तो वो अल्लाह ने चाहा तो करेंगे पूरा वो भी, ठीक है। इन दोनों के मतलब ये छाए हुए थे कुछ अर्से, अभी भी हैं, अपना नाम मुकाम बहुत बड़ा है कोई शक नहीं, देयर ऑल्सो, मगर इनके बीच में एक बंदा निकल के आता है और छा जाता है, उसका नाम है साहिर अली बग्गा। अच्छा वन एक कमेंट, एक अच्छी बात, एक बुरी बात, एक मशवरा, किसका? आपका, यू आर ए म्यूजिक डायरेक्टर, आपका एक अच्छी बात हमें बतानी है हमारे इस अजीम सिंगर के बारे में, एक बुरी बात इनकी आपने बतानी हमें और एक मशवरा देना। मैं बताऊं, अच्छे लेजेंड आदमी है, लायक आदमी है, सीखे पुखे आदमी है, अपने काम के बनवाया अपना आप, और यही कुछ है और क्या कहूँ मैं। और बुरी बात? बुरी बात, हाँ। बुरी बात इनकी वो तो न्यूज़ में भी चलती रहती वैसे भी। हमें न्यूज़ नहीं पता, आप बताएंगे। नहीं मैं ना, देखें मेरी तो दोस्ती रही है बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी अभी है,
हाँ अभी है कुछ आप लोगों के इख्तलाफात की बातें आ रही थी सामने, उसमें हकीकत है क्या जी? कोई लड़ाई झगड़े की बातें आ रही थी कि आजकल इख्तलाफ चल रहा है कोई आपका रात बतेले उसमें कोई सदाकत है? बस वो होता रहता है, हमारी फील्ड है, इसमें कोई इस तरह की चीज होती रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त है, सही है, सही है। मशवरा पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ से तो वैसे छुट्टी हो गई है, वो हो सकता है हालात बेहतर हो तो फिर करें वहाँ पे, लेकिन जहाँ जब तक है पाकिस्तान में काम करें, पाकिस्तान में काम करें, ये मशवरा है।